किसानों के जोड़ा मुद्दा है जो तीन बिल है कि उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की सरकार नाल दोबारे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की जाए जां उन्होंने नाल गलबात दोबारा शुरू होवे एक तो गल अज मुख्यमंत्री साहब के तमाम कैबिनेट के साथियों ने की है। दूजा वड्डा एजेंडा उन्होंने कहा कि जिथे किसान अज पूरे पंजाब भर के पूरे देश भर के चक्का जाम भी है तो असी लोग तमाम किसानों की गल करते हुए उन्होंने कहा कि सानू इस हफ्ते के अंदर अंदर तमाम मंत्री साहबान जिहड़े अलॉटेड जिले होणगे जिथे जिथे उन्होंने जिला मिलेगा उत्थे जाणगे ते वो तमाम लोग जिन्हां दियां शहीद हो गए किसान अंदोलन दे विच जिवें कल चन्नी साहब ने शुरुआत की है मुख्यमंत्री साहब ने अपॉइंटमेंट लैटर दे के उन्होंने नौकरी दे के नवाजनगे जाणगे और नाल ही नाल कई ऐसे जिहड़े केसिज हन जिन्हां दा हजे तक जिन्हों गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपया देना सी जो हदायतों के मुताबक जो कानून के मुताबक जिहड़ियां गाइडलाइन के मुताबक उन्हों का जिहड़ा जे किसी व्यक्ति का 5-5 लाख रुपया किसान साढ़े भरा का रहिंदा है ते उरे भी उन्हों जाके चैक देंगे। सो अज का सारा जिहड़ी कैबिनेट का सिटा सीगा क्योंकि किसान असी सारे खेती प्रधान सूबा है होर किसी मुद्दे पर चर्चा ना करते हुए किसानी मुद्दे पे चर्चा हो। मेरे को लगता है ये नॉर्म्स हैं कुछ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा किसान को देना चाहिए लेकिन कुछ टेक्निकल आज इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी किसान की उस ज़मीन को भूमि अधिकरण के बारे में लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि कुछ गाइडलाइन है जो सेंट्रल सरकार की हैं। उन्होंने कुछ ये भी समझाने की कोशिश की कि जो कलेक्टर रेट होता है हायर कलेक्टर रेट उसके ऊपर अधिकरण किया जाता है उसके ऊपर एक्विजिशन होती है तो वो तमाम चीज़ों को चेक करते हुए मुख्यमंत्री साहब ने ये भी हदायत की है कि किस प्रकार से हम ज़्यादा किसानों को मुआवजा दे सकें उसका भारत सरकार से मैं बात करूँगा तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तमाम किसान मुद्दों के ऊपर ही चर्चा आज की रही।